फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाइंग इंजीनियर। तो दोस्तों, इसके पहले हमने ब्रिक्स की सभी टेक्निकल टर्म्स पढ़ ली थी और उसके कॉन्टिट्यूंस क्या होते हैं वो हमने सभी समझ लिए थे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क। ओके, तो हम कौन से बॉन्ड देखने वाले हैं? फर्स्ट वन इज स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, गार्डन वॉल बॉन्ड एंड जिगजैग बॉन्ड। तो सबसे पहले देखने वाले हम स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है दोस्तों। द ब्रिक्स आर लेड एज स्ट्रेचर्स ऑन द फेसेस ऑफ वॉल्स। ओके, अब जो ब्रिक लेड करते हो वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेचर्स होते हैं। अब स्ट्रेचर्स क्या होता है दोस्तों, जो लेंथ वाइज लॉन्गर पोर्शन होता है आपका वॉल का, आपका ब्रिक का, वो आपको वॉल में दिखेगा। जो एक्सपोज फेस होता है वहाँ आपको जो लॉन्गर पोर्शन होता है ब्रिक का वो दिखेगा, वो होगा आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। ओके, दिस पैटर्न इज यूज इन ओनली फॉर दोज वॉल विच हैव थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक, विच हैव थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक। दोस्तों, हाफ ब्रिक क्या होता है कि आपको पता है कि आपकी जो ब्रिक होती है उसकी साइज क्या होती है दोस्तों, स्टैंडर्ड साइज क्या होती है दोस्तों, 19x9x9। ओके, तो ये जो फेस है आपका ये है 9 और जो लॉन्गर फेस है ये आपका 19। ओके, और इसका वेट भी होता है 9 का। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगर ब्रिक हम अलोंग वेट रख रहे हैं अलोंग द फेस विच हैव साइज ऑफ 9, उसे हम कहेंगे हाफ ब्रिक। ओके, तो जो स्ट्रेचर होता है वो आप क्या करते हो, इस तरह से रखते हो, मतलब आपकी जो वॉल की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 9, तो इसे हम कहेंगे हाफ ब्रिक। ओके, तो दिस पैटर्न इज यूज इन ओनली फॉर दोज वॉल विच हैव थिकनेस ऑफ हाफ ब्रिक। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि इट इज़ यूज एज अ पार्टीशन वॉल्स एंड डिवीजन वॉल। याद रखिएगा दोस्तों कि इसका इस्तेमाल हम एज अ पार्टीशन वॉल करेंगे या फिर डिवीजन वॉल करेंगे। ओके, द बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इज मोर। याद रखना कि आप हाफ ब्रिक वॉल के लिए ही इस्तेमाल करोगे, इसमें बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। ठीक ना, द बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इज मोर। हाफ ब्रिक से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों, यह है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है, देख लिया आपने। अब नेक्स्ट है हमारा हेडर बॉन्ड। अब ये क्या होता है दोस्तों, द ब्रिक्स आर लेड एज अ हेडर ऑन द फेसेस ऑफ वॉल्स। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है हेडर क्या होता है, जो हमारा स्मॉलर पोर्शन होता है लेंथ वाइज और विड्थ वाइज, वो होगा हमारा हेडर। तो आपको एक्सपोज फेस में क्या दिखेगा दोस्तों, देखिए आपको सभी हेडर्स दिख रहे हैं। अगर आपको फेस में हेडर्स दिखते हैं तो वो होता है आपका हेडर बॉन्ड। ठीक है, दिस पैटर्न इज यूज Only when the thickness of the wall is equal to 1 brick. अब दोस्तों, हाफ ब्रिक मतलब कितना था, 9 centimeter. तो जब हम 1 brick कहेंगे तो इसका टोटल लेंथ आएगा, टोटल लेंथ मतलब कितना, 19, और 1 centimeter हम मोर्टार का ऐड करते हैं मतलब 20. अगर आप मोर्टार के साथ में ब्रिक का साइज पूछोगे तो वो कितना आएगा दोस्तों, 20x10x10. ठीक है, क्योंकि 1 centimeter का मोर्टार लगाते हैं। ओके, तो आपका दिस पैटर्न ओनली यूज होगा जब आपका थिकनेस कितना होगा, 1 brick मतलब 20 centimeter. दिस बॉन्ड डज नॉट हैव स्ट्रेंथ टू ट्रांसमिट द प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ वॉल। याद रखा दोस्तों कि इस बॉन्ड में इतना ताकत नहीं होता है कि आपका जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट कर पाए इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देता है ये बॉन्ड। उसके बाद इट इज़ यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटिंग। इसका इस्तेमाल हम सिर्फ फुटिंग में करते हैं दोस्तों, ठीक है, फुटिंग में करते हैं। देख लीजिए, दिस इज योर हेडर बॉन्ड। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश बॉन्ड। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि देखिए, आपको सबसे नीचे दिख रहा है स्ट्रेचर और उसके ऊपर दिया हुआ है हेडर कोर्सेज। ओके, मतलब कैसा हो रहा है, एक स्ट्रेचर का कोर्स है पूरा, उसके बाद में हेडर दिया है, फिर स्ट्रेचर दिया है, फिर हेडर दिया है। ओके, और ये जो आपको दिख रही है डॉटेड पोर्शन, ये होता है आपका बैट्स। ओके, ब्रिक बैट्स इस्तेमाल करते हैं हम किस लिए, कि आपके जो जॉइंट्स हैं परपेंडिकुलर आ सके। ठीक है, तो आपने देख लिया कि एक स्ट्रेचर कोर्स है, फिर हेडर कोर्स है, फिर स्ट्रेचर कोर्स है, फिर हेडर कोर्स है, मतलब कि इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर आर लेड, देन दिस बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट। याद रखे दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ये इंग्लिश बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। इन दिस बॉन्ड द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ द हेडर कोर्स कम ओवर इच अदर, सिमिलरली द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेचर कोर्स ऑल्सो कम ओवर इच अदर। अब इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, देख लेंगे कि आपका जो हेडर कोर्स है, ये जो जॉइंट है इसका,
और ये जो वर्टिकल जॉइंट है किसका, हेडर का, ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे दोस्तों एग्जैक्टली। उसी तरह से जो स्ट्रेचर कोर्स है, स्ट्रेचर के भी जॉइंट्स हैं, वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के एग्जैक्ट वर्टिकली आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ गया कि इन दिस बॉन्ड द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ हेडर कोर्स कम ओवर ईच अदर, सिमिलरली द वर्टिकल जॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेचर कोर्सेस कम ओवर ईच अदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, एवरी अल्टरनेट हेडर्स कम सेंट्रली ओवर द जॉइंट बिटवीन द टू स्ट्रेचर इन द कोर्स बिलो। याद रखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि आपका जो हेडर है, ठीक है, जो आपका ये हेडर है, ठीक है, और इसके नीचे जो जॉइंट है दोस्तों, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेंट्रली आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका हेडर है, ये आपका जो अल्टरनेट हेडर होंगे, ये क्या होंगे कि आपका एग्जैक्टली सेंट्रल में आएंगे किसके, स्ट्रेचर के। ठीक है, क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली सेंट्रल में आ रहे हैं किसके, स्ट्रेचर के। तो आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि एवरी अल्टरनेट हेडर कम सेंट्रली ओवर द जॉइंट बिटवीन द टू स्ट्रेचर्स इन कोर्स बिलो। ओके, उसके बाद है हमारा कि देयर इज नो कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आपके इस कोर्स में कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट नहीं आते हैं। कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट का मीनिंग क्या होंगे दोस्तों कि आप इस तरह से कोर्स रख रहे हो, ठीक है, और ये जॉइंट एक्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके जॉइंट्स कंटिन्यूअस आएंगे। देखिए दोस्तों, सभी जॉइंट्स क्या है, अल्टरनेट है, कोई भी जॉइंट एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है, देन इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस अ क्वीन क्लोजर इन द हेडिंग कोर्स फॉर ब्रेकिंग द जॉइंट्स वर्टिकली। अब क्वीन क्लोजर कहाँ इस्तेमाल किया है दोस्तों हमने, आपको ये पोर्शन दिख रही है डॉटेड वाले, ठीक है, दिस इज़ योर क्वीन क्लोजर, और ये हमने इस्तेमाल क्यों किया है कि इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस अ क्वीन क्लोजर इन द हेडिंग कोर्स फॉर ब्रेकिंग द वर्टिकल जॉइंट्स वर्टिकली। ओके, फॉर ब्रेकिंग द वर्टिकल जॉइंट्स। ओके गाइज, तो इसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड है हमारा फ्लेमिश बॉन्ड। ओके, तो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड ईच कोर्स इज कंप्राइज ऑफ अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखेंगे हम लोग कि क्या होता है कि ये आपका हो गया स्ट्रेचर, देन ये हो गया आपका हेडर। ओके, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर है, फिर से हेडर है, फिर से स्ट्रेचर है। मतलब दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है कि आपका सेम कोर्स है, ये एक ही कोर्स में क्या होता है आपका स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर ले करते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश बॉन्ड में क्या था दोस्तों कि आपके जो अलग अलग कोर्स है, ठीक है, ये कोर्स हो गया, ये कोर्स हो गया, यहाँ पर सभी स्ट्रेचर थे, यहाँ पर सभी हेडर थे। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, आपको याद रखना है कि इन फ्लेमिश बॉन्ड ईच कोर्स इज कंप्राइज ऑफ अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स। ओके, आपको समझ गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, दिस बॉन्ड क्रिएट्स बेटर अपियरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि दिस बॉन्ड क्रिएट्स बेटर अपियरेंस देन इंग्लिश बॉन्ड, ये देखने में काफ़ी अच्छा दिखता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये, एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, देन दिस बॉन्ड इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इंग्लिश बॉन्ड एंड इज नॉट यूज जनरली। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि ये इतना स्ट्रांग नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड, और इसका हम जनरली इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। अगर आपको दिखाना है, एक्सपोज फेस ऑफ वॉल है, ठीक है, तो आपको डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए आप फ्लेमिश बॉन्ड का इस्तेमाल करते हो, नहीं तो आप इंग्लिश बॉन्ड ही यूज़ करते हो। उसके बाद एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट्स विद अ हेडर एट द कॉर्नर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि एवरी अल्टरनेट कोर्स स्टार्ट्स विद अ हेडर एट द कॉर्नर। देखेंगे दोस्तों क्या हो रहा है कि ये आपका अल्टरनेट कोर्स है, ये आपका अल्टरनेट कोर्स है, ये आपका अल्टरनेट कोर्स है। ठीक है, तो सभी अल्टरनेट कोर्सेज का स्टार्टिंग किससे हो रहा है दोस्तों, हेडर से हो रहा है, और हेडर कहाँ रखे हुए, कॉर्नर पे रखे हुए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सभी अल्टरनेट कोर्सेज विल बी स्टार्ट विद अ हेडर एट द कॉर्नर, विल स्टार्ट विद अ हेडर एट कॉर्नर। ठीक है, देन इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब इसमें दो टाइप आते हैं दोस्तों, पहला टाइप है आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ओके, डबल फ्लेमिश बॉन्ड एंड सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। अब दोस्तों सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि जो आपका फेस होता है वो होता है फ्लेमिश बॉन्ड का, और जो आपका बैकिंग होता है वो या तो आपका हेडर का होगा या फिर आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हो इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है,
तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, आपका एक्सपोज फेस बना हुआ होता है फ्लेमिश बॉन्ड से, और आपका बैकिंग बना हुआ होता है किससे, इंग्लिश बॉन्ड से। वही आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है कि आपका फेस और बैक दोनों बना हुआ होता है किससे, फ्लेमिश बॉन्ड से। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है दोस्त, तो हम कंपैरिजन देखने वाले किसका, इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड का। तो इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन फ्लेमिश बॉन्ड, हमने पढ़ा था इंग्लिश बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर दैन फ्लेमिश बॉन्ड। देन अ फ्लेमिश बॉन्ड गिव्स अ मोर प्लेजिंग अपीयरेंस दैन इंग्लिश बॉन्ड। ओके, देन द ब्रोकन ब्रिक्स कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ बैट्स इन द फ्लेमिश बॉन्ड। ओके, द ब्रोकन ब्रिक्स कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ बैट्स इन द फ्लेमिश बॉन्ड, हाउएवर मोर मोर्टार इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको क्या होगा, ज़्यादा मोर्टार रिक्वायर्ड होगा। इन कंस्ट्रक्शन विद द फ्लेमिश बॉन्ड रिक्वायर्स ग्रेटर स्किल इन कंपेरिजन टू इंग्लिश बॉन्ड। ओके दोस्तों, तो फ्लेमिश बॉन्ड के लिए आपको ज़्यादा स्किल लेवल रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा गार्डन वॉल बॉन्ड। ओके, तो एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम बता ही रहा है कि दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन वॉल, द बाउंड्री वॉल एंड कंपाउंड वॉल्स। ओके, का इस्तेमाल करोगे, गार्डन वॉल में, बाउंड्री वॉल में एंड कंपाउंड वॉल्स में। ओके, नाउ इट इज यूज वेयर द थिकनेस ऑफ द वॉल इज 1 brick थिक एंड हाइट डज नॉट एक्सीड 2 meters। ठीक है, आपको पता है कि 1 brick क्या होता है दोस्तों, 20 centimeter का जो आपका टोटल ब्रिक आप लेट करते हो तो वो होता है आपका 1 brick थिकनेस, और आपका हाइट शुड नॉट एक्सीड 2 meters। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज इंग्लिश बॉन्ड बट मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, इंग्लिश बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू गार्डन वॉल बॉन्ड, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसकी भी हम डायग्राम देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हेडर है ठीक है, और उसके बाद में 1, 2, 3 स्ट्रेचर है, फिर से एक हेडर है, और उसके बाद में ये पैटर्न कंटिन्यू होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक हेडर है और 1, 2, 3 स्ट्रेचर है। मतलब क्या होता है कि आपका एक ही कोर्स में क्या होगा, 1 हेडर होगा और उसके बाद 3 स्ट्रेचर होंगे, फिर से 1 हेडर होगा, फिर से 3 स्ट्रेचर होगा, ऐसा अल्टरनेट कोर्सेस में आपका पैटर्न फॉलो होता है। ये होता है आपका गार्डन वॉल बॉन्ड। अब दोस्तों ये कौन सा गार्डन वॉल बॉन्ड है, ये है आपका फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। ओके दोस्तों, ये है आपका फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। अब इसी तरह से इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड भी होगा, उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपके अल्टरनेट कोर्सेस होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ईच कोर्स में क्या हो रहा है, गार्डन फ्लेमिश बॉन्ड भी आ रहा है और हेडर बॉन्ड भी आ रहा है और स्ट्रेचर बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड में क्या होगा कि आपके अल्टरनेट कोर्सेज में क्या होगा, हेडर और स्ट्रेचर आएंगे। ठीक है, इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड में आपका 1 कोर्स होगा हेडर का, ठीक है, आपका 1 कोर्स होगा हेडर का और कंटिन्यू 3 कोर्सेज होंगे किसके, स्ट्रेचर के, फिर से 1 कोर्स होगा आपका हेडर का और कंटिन्यू 3 कोर्सेज होंगे आपके स्ट्रेचर के। तो ये होगा आपका इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड। ठीक है, इसका फिगर आप देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम देखने वाले हैं zigzag bond। ठीक है, आपको डायग्राम दिख रही है। सो इन दिस बॉन्ड द ब्रिक्स आर लेड इन zigzag फैशन। ओके, आपको दिख रहा है ब्रिक्स लेड किया हमने zigzag फैशन में, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल पैनल इन द ब्रिक फ्लोरिंग। ठीक है, तो आपको जब भी ब्रिक फ्लोरिंग बनानी है तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, zigzag बॉन्ड। ओके, तो सभी दोस्तों हमने बॉन्ड अच्छी तरह पढ़ लिए, zigzag बॉन्ड पढ़ लिया, गार्डन वॉल बॉन्ड पढ़ा, ठीक है, हमने कंपैरिजन देख लिया, फ्लेमिश बॉन्ड पढ़ लिया और इंग्लिश बॉन्ड भी पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमने हेडर बॉन्ड देखा और स्ट्रेचर बॉन्ड भी देख लिया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।